Hello everyone. Our today's topic is gender identities and socialization practices in family. अब परिवार में gender identity और socialization practices क्या क्या हैं? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि gender identity क्या होती है. और सोशलाइजेशन को तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया है, बट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी. जेंडर आइडेंटिटी लिंग पहचान या लिंग अस्मिता. देखिए, जो जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, लैंगिक पहचान का जो संप्रत्य है, ये एक ऐसा संप्रत्य है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी को मेल या फीमेल, पुरुष या महिला होने की जानकारी प्रदान करता है, पुरुष या महिला होने का बोध कराता है. अब इसका सामाजिक सोच से या हम कहें कि जो सामाजिक रूढ़ी युक्तियां हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यह पहचान किसी विशिष्ट लिंग के लिए विशिष्ट होती है. और ये जन्म लेते ही जो ये लैंगिक पहचान है, जेंडर आइडेंटिटी है, ये अस्तित्व में आ जाती है. जब किसी कोई भी जन्म लेता है तो जन्म के समय ही हमें यह पता चल जाता है कि यह प्राणी जो है, यह जीव जो है, वो मेल है या फीमेल है. तो ये उस प्राणी के, उस जीव के बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशिष्टताएं होती हैं. तो किसी विशिष्ट लिंग की कुछ विशिष्ट फीचर होते हैं, तो उन विशिष्टताओं के आधार पर ही हम उसके ये जैविकीय लिंग की पहचान उसके जन्म के समय ही कर लेते हैं. तो जैविक रूप से महिलाओं से संबंधित जो विशिष्ट व्यवहार होते हैं उसे स्त्रीत्व, फेमिनिटी कहा जाता है. और जबकि जो जैविक रूप से जो पुरुषों से संबंधित विशिष्ट व्यवहार होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिनिटी या पुरुषत्व. अब इसका जो ये फेमिनिटी है या मैस्कुलिनिटी है, ये महिलाओं से संबंधित व्यवहार जैविकीय रूप से और पुरुषों से संबंधित व्यवहार जैविकीय रूप से, तो इन व्यवहारों से सामाजिक रूढ़ियों का कोई सरोकार नहीं होता है. ये नेचुरल है, ये जैविकीय होते हैं. इसका सरोकार शारीरिक संरचना के या जैविक संरचना के अनुरूप व्यवहार करने से होता है. जैसे महिलाओं को जैविक रूप से कम शक्तिशाली और कोमल माना जाता है, और उनके शरीर की बनावट के अनुसार ही उनके जो हाथों का संचालन होता है, उनकी जो चाल होती है, उनके हाव भाव होते हैं या उनके दूसरे जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, वो उनकी जैविकीय संरचना के आधार पर ही होते हैं. और उसी तरह से जो फीमेल के जेस्चर्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, या जो भी उनकी व्यवहार के गुण होते हैं, वो उनके विशिष्ट जैविकीय संरचना के आधार पर ही होती है. जैसे जो वो फीमेल मेंबर हैं, वो जब चलते हैं तो चलते हैं वो ज्यादा लॉन्ग स्टेप्स के साथ चल सकते हैं, और जबकि फीमेल ऐसा नहीं करती हैं. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि व्यवहार संबंधी या अपीयरेंस संबंधी जितने भी गुण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, तो वो मनुष्य की, वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी जैविकीय संरचना और शारीरिक संरचना के अनुसार ही होते हैं. अब जेंडर आइडेंटिटी को हाउ कैन वी डिफाइन. जेंडर आइडेंटिटी इज अ पर्सन्स सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद इधर द मेल और फीमेल सेक्स एज मैनिफेस्टेड इन अपीयरेंस, बिहेवियर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स लाइफ. लिंग पहचान से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानने की समझ से है, जो उसके बनावट, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है. नाउ सी, जो लिंग पहचान है, लिंग पहचान को जन्म के समय निर्धारित जो जैविक लिंग है, जैविक लिंग से ही हम उसका संबंध, जैविक लिंग से ही उसको संबंधित करते हैं. तो जेंडर आइडेंटिटी
को एक्सप्लेन करने के लिए, जेंडर आइडेंटिटी को डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग पहलू विकसित किए गए हैं। जैसे इसके कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जेंडर आइडेंटिटी के, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हैं। बट नाउ वी लेट सी कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस से कैसे की जाती है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन बाय सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, जैसे हमने देखा कि इसके जेंडर आइडेंटिटी के संदर्भ में बहुत से पहलू विकसित किए गए हैं, वो साइकोलॉजिकल हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशियोलॉजिकल हैं। अब सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस पे हम नजर डालते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी के सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, जेंडर आइडेंटिटी के लिए जो है, जो सामाजिक प्रथाएं प्रचलित हैं समाज में, जिनका की पालन किया जाता है, अनुपालन किया जाता है मेल जेंडर या फीमेल जेंडर को सोशलाइज करने के लिए, उनका समाजीकरण करने के लिए, समाज में किस तरह से उनको व्यवहार करना है, उनका कौन कौन से उनको कार्य करने हैं। नाउ लेट्स सी, तो सबसे पहले जो सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस दैट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी फॉर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, दिस इज बिहेवियर रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, व्यवहार संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। अब समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवहार से संबंधित भेद जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे स्त्रियों को हम मानते हैं कि स्त्रियों में बहुत ज्यादा टॉलरेंस पावर होती है, इसलिए उनसे सभी लोग यही अपेक्षा करते हैं कि उनको कुछ भी, कोई कुछ भी कहे वो उनको सहन करना है। जबकि जो बॉयज होते हैं या मेल मेंबर्स होते हैं उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ये क्या है, ये व्यवहारगत डिस्क्रिमिनेशन है, ये बिहेवियर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि समाज के साथ घर परिवार वालों के द्वारा भी दोनों ही जेंडर के साथ किया जाता है, मेल और फीमेल जेंडर के साथ, कि मेल को कुछ भी कहे, कोई उनके साथ कुछ भी करे, उनको बियर करना है, उनको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। जबकि मेल के साथ अगर ऐसा कुछ करता है तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाता है। तो यही सामाजिक विश्वास जो बना हुआ है समाज में, ये इसे हम रूढ़ी युक्ति भी बोल सकते हैं। तो इसी रूढ़ी युक्ति को अपना करके जो फर्दर जनरेशन है मेल की या फीमेल की, वो भी इन्हीं विश्वासों को अपना करके इसी तरह का अपना समाजीकरण कर लेते हैं और इसी तरह का व्यवहार विकसित कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस दैट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी रिगार्डिंग जेंडर आइडेंटिटी दैट इज डिसिप्लिन रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, अनुशासन संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। अब अनुशासन संबंधी विभेद भी समाजीकरण की प्रक्रिया में देखा जाता है। जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता है, जैसे रात के समय में बाहर नहीं जाना, गर्ल्स को हमेशा मना कर दिया जाता है, और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इस पर भी गर्ल्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन बॉयज पर या मेल मेंबर्स पर कोई भी ऐसी रोक टोक नहीं होती है कि उनको रात को बाहर नहीं जाना है, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमना फिरना है, उनको ये नहीं करना है, उनको वो नहीं करना है। तो जो मेल मेंबर होते हैं फिर वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वो कहीं भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से उनका जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, वो इसी तरह का व्यवहार विकसित करते रहते हैं। देन वॉक बेस्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक और बालिकाओं, गर्ल्स और बॉयज के बीच में कार्यों के आधार पर भी विभेद किया जाता है। कार्य आधारित समाजीकरण प्रथाएं भी प्रचलित हैं समाज में। जैसे यदि घर का कोई भारी सामान उठाना है तो उसके लिए बालिकाओं की जगह बालकों को ही बुलाया जाता है, मीन्स हम बोलते हैं कि ये बहुत भारी सामान है, इससे इसको जो है वो गर्ल्स नहीं उठाएंगी, इसे बॉयज या मेल मेंबर ही कोई उठाएगा, क्योंकि ये गर्ल्स की कैपेसिटी के बियॉन्ड है। क्योंकि लोगों का मानना है कि लड़कियां जो होती हैं वो कोमल प्रवृत्ति की होती हैं और इसलिए वे भारी सामान नहीं उठा सकती हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं या इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो समाजीकरण में ये कार्य विभेद को आधार बनाती हैं। इस प्रकार
समाज में लिंग आधारित समाजीकरण और कार्य विभेद होता है। नाउ गेम्स बेस्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, खेलकूद आधारित समाजीकरण प्रथाएं। समाज के लोगों ने या हमारे समाज में खेल का भी विभाजन लिंग के आधार पर किया है कि गर्ल्स जो होंगी वो गर्ल्स के खेल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बॉयज से। गर्ल्स अपने डॉल्स से खेल लेंगी या किचन सेट से खेलेंगी, और जो बॉयज होते हैं वो बैट बॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, गाड़ियों से खेलेंगे। तो जेंडर, ये लिंग पर आधारित जो है, ये लिंगीय विभेद जो है, ये उनके खेल संबंधी गतिविधियों में भी जोड़ दिया गया है। और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यही जो हमारा ये जेंडर आइडेंटिटी इस तरह की बन जाती है, और यही बाद में जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। जबकि क्या होना चाहिए, गेम्स जो होती हैं, गेम्स आर ओनली टू कीप द इंडिविजुअल फिट, फिजिकली फिट। तो गेम्स को सिलेक्ट करते हुए या किसी भी बच्चे को, वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, गेम्स के प्रति उसका रुझान विकसित करना है या उसको गेम्स का प्लेटफॉर्म हमको देना है, तो उसके लिए प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि उसको खेलने देना है, उसको गेम्स का प्लेटफॉर्म हमको देना है। क्यों? क्योंकि गेम्स विल कीप द चाइल्ड, वेदर मेल और फीमेल, फिजिकली फिट। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी देनी है, वो देनी है कि वो मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड की जैविकीय संरचना के अनुरूप हो, अकॉर्डिंगली, मीन्स वो मेल और फीमेल चाइल्ड की कैपेसिटी के विद इन हो। ना कि ये कि अगर कोई मेल है तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियों से ही खेलेगा, और अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो वो ओनली डॉल से ही खेलेगी। दिस इज रॉन्ग। अगर किसी मेल चाइल्ड का, अगर मेल चाइल्ड का भी रुझान जो है कुछ कुकिंग एक्टिविटीज में है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है, तो उससे रिलेटेड गेम्स खेलने का मौका उसको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो गेम्स मींस बच्चों को कुछ खेलते रहना है टॉयज से, तो उससे वो फिजिकली फिट रहेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो इसको जो है वो उनकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में किस तरह से समाज के द्वारा लाया जाता है। नाउ सी, दिस इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू नो जैविकीय लिंक के आधार पर ही बच्चों को गेम्स की भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। नाउ थिंकिंग रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस। आप देखिए, अब सोच कैसी है समाज में लोगों की, प्रत्येक जेंडर के प्रति कैसी सोच है, उसके आधार पर भी मेल और फीमेल जेंडर की सोशलाइजेशन की जाती है, उनका समाजीकरण किया जाता है। सोच संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। अब गर्ल्स और बॉयज के प्रति समाज की या परिवार के लोगों की सोच कैसी होती है, तो लड़कियों को हमेशा प्रायः धन ही माना जाता है और लड़कों को हमेशा घर का चिराग माना जाता है। तो लड़कियों को प्रायः धन माना जाता है कि एक समय आएगा कि जब लड़कियों को तो प्रायः घर में जाना ही है, इसलिए कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जिसमें कि लड़कियों को बहुत सी सुविधाओं से, लाभों से वंचित रखा जाता है। जैसे कुछ एक हमारे भारतीय समाज में अभी भी कुछ ऐसे अभिभावक हैं, अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि लड़कियां प्रायः धन है तो उनके ऊपर इतना धन क्यों खर्च किया जाए, उनको बड़ा करने में, उनको क्यों पढ़ाया जाए, उनको क्यों जो है स्किलफुल बनाया जाए, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली दूसरे के घर में जाना है। सो बेहतर होगा कि जो धनराशि हम अभी उनकी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, वो धनराशि उनके विवाह कार्य को संपन्न करने के लिए बचा कर रखी जाए। तो इस तरह से देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया ऑब्वियसली मेल और फीमेल के भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, दैट इज वर्किंग फील्ड रिलेटेड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, कार्य क्षेत्र संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। प्रेजेंट सोसाइटी में अगर हम देखें तो आज भी जो गर्ल्स की वॉकिंग फील्ड है वो बहुत लिमिटेड मानी जाती है, उनको घर के अंदर ही सेफ माना जाता है, और मेजॉरिटी केसेस में
ये माना जाता है कि गर्ल्स को घर के ही कार्य करने में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, करना है। एक सफल स्त्री उसे ही समाज द्वारा माना जाता है जो कि अपने घर परिवार का सही तरीके से संचालन कर रही है, देख घर के लोगों की देखभाल कर रही है, घर के काम कर रही है। लेकिन जो मेल चाइल्ड है, जो मेल मेंबर है, वो आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए या किसी भी बाहर फील्ड में कोई भी नौकरी या जॉब करने के लिए वो कहीं भी जाता है, तो उस पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक या कोई प्रतिबंध उस पर नहीं लगाया जाता है। तो समाज में क्यों? क्योंकि उसको बाहर सेफ नहीं माना जाता है, या वो क्योंकि वो इतनी इतने ज्यादा उसको पहले एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ही प्रोवाइड नहीं की, या उसको इतना ज्यादा पहले स्किलफुल ही नहीं बनाया कि वो बाहर जा सके। कुछ एक इन्हीं कारणों की वजह से कि हाउ अ फीमेल चाइल्ड विल एडजस्ट हरसेल्फ आउटसाइड इन डिफरेंट फील्ड्स। तो बहुत सारे डर जो हैं वो लोगों के मन में हैं, जिन कारणों से वो अपनी फीमेल चाइल्ड को अकॉर्डिंगली वो सारी सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं जो कि मेल इंडिविजुअल को, मेल चाइल्ड को दी जाती हैं। उसी से फीमेल इंडिविजुअल का, फीमेल चाइल्ड का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनका समाजीकरण की प्रक्रिया जो है दोनों की वो भिन्न हो जाती है। नाउ वैल्यू बेस्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, अब गुण आधारित समाजीकरण प्रथाएं। अब गुण के आधार पर भी, जैसे हमने पहले ही कहा था कि जो सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि लड़कियां और लड़के और लड़कियों के गुणों के आधार पर ही जो है उनकी पहचान की जाती है, कि जेंडर आइडेंटिटी में ये फैक्टर भी लिया जाता है कि लड़कों के कैसे गुण होते हैं और लड़कियों के कैसे गुण होते हैं। लड़कियां सहनशील होती हैं, लड़कियां जो है वो बहुत दया भाव रखने वाली होती हैं, बहुत ही नर्चरिंग एबिलिटी उनमें होती है, और डिसिप्लिन्ड मानी जाती हैं गर्ल्स। तो इन सभी गुणों के आधार पर जो है फीमेल जेंडर की आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है। जबकि बॉयज में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बॉयज के जो गुण होते हैं वो साहस और वीरता को माना जाता है बॉयज में। इमोशनल नहीं होते हैं बहुत ज्यादा बॉयज, लॉजिकल होते हैं बहुत। तो इन्हीं गुणों के आधार पर उनसे अकॉर्डिंगली ही व्यवहार की भी आशा की जाती है। सो ये था कि समाज में किस तरह से मेल और फीमेल जेंडर को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से सोशलाइज करने की कोशिश की जाती है, किन गुणों के आधार पर, मेल और फीमेल के किन गुणों के आधार पर किस तरह से उन्हें सोशलाइज करने का कार्य जो है समाज में किया जाता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक विद जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। अब देखते हैं कि जो स्कूल या मैं या फैमिली में या फॉर्मल या नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ये जेंडर की पहचान है या सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस है, ये किस तरह से होती हैं, किस तरह से मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का सोशलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। परिवार में कौन कौन सी सामाजिक प्रथाएं अनुपालित की जाती हैं, क्रियान्वित की जाती हैं, जिससे कि जेंडर को आइडेंटिफाई किया जा सके और जेंडर को सोशलाइज किया जाए। नाउ सी, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को सोशलाइज करने में। जैसे हमने अभी देखा कि समाज में मेल और फीमेल जेंडर को सोशलाइज करने की प्रैक्टिसेस भी और उनको आइडेंटिफाई, उसके उसके बेस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन भी, उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव हमने देखा कि मेल और फीमेल जेंडर के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव समाज के द्वारा किया जाता है, किया जाता था, किया जाता है, और आगे के लिए भी यही अनुमान है कि अगर कोई ठोस कदम ना उठाए गए, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, अगर अकॉर्डिंगली उनका उनको व्यवहारिक रूप में भी उनको ना फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन उनकी ना की जाए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से जो वुमेन की सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे पास्ट के बेस पे ही उसी तरह से होती रहेंगी और जो वुमेन है वो समाज में अपनी पहचान नहीं बना सकेगी। तो
परिवार का क्या रोल है जेंडर की आइडेंटिफिकेशन में और सोशलाइजेशन, उनकी जेंडर की समाजीकरण प्रक्रिया में। तो जैसे हम देखते हैं कि परिवार समाज की एक लघु इकाई मानी गई है, तो जो भी भेदभाव मेल और फीमेल चाइल्ड के साथ, मेल या फीमेल जेंडर के साथ किया जाता है उनकी उन्हें सोशलाइजेशन उनकी सोशलाइजेशन के दौरान, तो इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास सबसे पहले परिवार के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तभी हम समाज से इस भेदभाव को दूर कर सकते हैं और दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को ही इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं और दोनों का ही सुविकास सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो फैमिली का रोल है, वो किस तरह से फैमिली को प्ले करना चाहिए, किस तरह से परिवार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। परिवार को क्या करना है कि दोनों ही जेंडर को, मेल चाइल्ड को भी और फीमेल चाइल्ड को भी, समान शिक्षा की व्यवस्था करनी है। क्योंकि जब हम देखते हैं अपने ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस चली हुई हैं लड़के और लड़कियों को शिक्षित करने की, तो उसमें यही देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में जो है वो भेदभाव किया जाता है। जैसे मैंने हमने अभी भी कहा कि गर्ल्स को जो है वो पराया धन माना जाता है और बॉयज को घर का चिराग माना जाता है। तो पराया धन होती हैं लड़कियां, इसलिए उनके एजुकेशन पे इतना क्यों खर्च करना, तो अकॉर्डिंगली उनकी सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट होती जाती है और वो समाज में हीन भावना विकसित करने लगती हैं, अपनी आत्मनिर्भरता को भी वो प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए समाजीकरण की प्रथाओं और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए लड़कों के समान ही लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था भी करना अति आवश्यक माना जाता है। अगर हम समाज से जो ये लैंगिक असमानता है इसे दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले परिवार को, हर परिवार को ये कदम उठाना है कि वो परिवार में दोनों जेंडर को इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, मेल चाइल्ड को भी और फीमेल चाइल्ड को भी इक्वली सभी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, जिससे कि उनका समुचित, उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। देन बिहेवियर ऑफ इक्वालिटी, समानता का व्यवहार। परिवार में यदि लड़के और लड़कियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे परिवारों में जो लिंग संबंधी ये डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ये बहुत कम पाए जाते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सुविधाएं हैं वो गर्ल्स को भी इक्वली देनी है, बॉयज को भी इक्वली देनी है। शिक्षा की बात करें तो सेम इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दोनों को प्रदान करनी है, या जो भी हमारे रहन सहन आदि से संबंधित हमारे लाइफ स्टाइल्स जो भी हैं वो इक्वल प्लेटफॉर्म, इन सभी से संबंधित जो है वो इक्वल प्लेटफॉर्म दोनों ही बच्चों को, वेदर इट इज मेल चाइल्ड और इट इज फीमेल चाइल्ड, दोनों के साथ ही समान व्यवहार करना है और किसी भी तरह की कोई लिंग पर आधारित कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी होती है, कोई शाब्दिक निंदा नहीं करनी होती है, जिससे कि कोई पर्टिकुलर लिंग जो है वो, चाहे वो मेल जेंडर हो या इवन वो मेल जेंडर भी हो, तो वो जो है हीन भावना विकसित करे। तो ऐसी कोई हमें लिंग पर आधारित कोई भी टिप्पणी नहीं करनी होती है, हमें कॉमन लैंग्वेज और मोटिवेटिंग लैंग्वेज यूज करनी होती है। नाउ वर्क ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हेतु कार्य। अब जैसे हमने कहा कि दोनों को ही, मेल और फीमेल चाइल्ड को, परिवार को क्या रोल निभाना है उन दोनों चाइल्ड की सोशलाइजेशन में, मेल और फीमेल चाइल्ड के समाजीकरण की प्रक्रिया में, तो दोनों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है, दोनों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है दोनों को, जिससे कि उनके शरीर मन और बुद्धि का समन्वयनकारी विकास सुनिश्चित किया जा सके। परिवार के सभी बच्चों का विकास समान रूप से होना चाहिए, जिससे कि उनमें हीनता की भावना विकसित ना हो। नेक्स्ट इज गुड कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। देखिए, उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण, परिवार को क्या चाहिए,
परिवार को चाहिए कि वो अपने सभी मेंबर्स के चरित्र, करेक्टर और उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के निर्माण पर बल दे। अनेक परिवारों में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं या वुमेन होती हैं, उनको तो बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है, अनुशासन में रखा जाता है, लेकिन लड़कों के लिए हर बात में छूट दी जाती है। चलो कोई बात नहीं, वो जा सकता है, अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, ऑड आवर्स में कोई मेल मेंबर बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, वो मेल है ना, वो लड़का है ना, तो इसलिए वो जा सकता है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से उनको हर बात में छूट दी जाती है। तो इस तरह का जो ये वातावरण है, ये इस तरह का वातावरण कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए परिवार में। ऐसी ही स्थितियों में क्या होता है, लैंगिक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। सो परिवार को चाहिए कि वो लड़कों और लड़कियों दोनों को समान रूप से चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करने हेतु इंस्ट्रक्शंस दे और अकॉर्डिंगली एक प्लेटफॉर्म भी उसी तरह का प्रोवाइड करे। नाउ इक्वल पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज। अब मेल या फीमेल जेंडर की सोशलाइजेशन के दौरान दोनों को, मेल को भी और फीमेल मेंबर को भी, जितने भी परिवार के पारिवारिक कार्य होते हैं, जो भी परिवार में कार्य किए जाते हैं, जो भी समारोह आयोजित किए जाते हैं या जो भी जिस भी किसी गतिविधि का आयोजन किया जाता है, तो उन सब में दोनों ही जेंडर को समान रूप से पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाना चाहिए। कुछ एक फैमिलीज में क्या देखा जाता है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, बाहरी कार्य होते हैं, उनमें लड़कों को और घर के कार्यों में लड़कियों को ही लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं वो बाहर के कार्यों को करने में जो है स्वयं को असहज महसूस करती हैं। जब कभी उनको इमरजेंसी में या लेटर ऑन स्टेज में लाइफ की बाहर जाना पड़ता है, स्वयं वो कार्य करने पड़ते हैं, या कभी ऐसा होता है कि वो जिम्मेदारी उन पर ही आन पड़ती है तो फिर उन्हें वो कार्य करने होते हैं, तो फिर उस समय वो अपने आप को बेबस महसूस करती हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वे गर्ल्स को भी जितने भी बाहरी कार्य हैं उन्हें भी करने का मौका दे और बॉयज को घर के कार्य में भी सम्मिलित करें। नाउ बायकॉट ऑफ सुपरस्टिशियंस, बिलीव्स एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। अब परिवार का क्या रोल होता है जब वो मेल जेंडर या फीमेल जेंडर, अपने मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड का समाजीकरण कर रहे होते हैं, उनका पालन पोषण कर रहे होते हैं, उन्हें व्यवहार संबंधी बातें समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनका व्यवहार विकसित कर रहे होते हैं, तो जितने भी अंधविश्वास हैं या जितनी भी हमारी रूढ़ी युक्तियां हैं या जो परंपराएं हैं, जड़ परंपराएं होती हैं, उनका परिवार के द्वारा बहिष्कार कर देना चाहिए, उन्हें नहीं अपनाया जाना चाहिए। ऐसे अंधविश्वास का जिससे कि जो व्यवहार के विकास में बीच में बाधा बनती हो, ऐसे अंधविश्वासों को नकार देना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का अभेद पूर्ण वितरण। परिवार में वो स्त्री है या पुरुष है, लड़के हैं या लड़कियां हैं, इनके बीच लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करके सभी की सभी प्रकार की जिम्मेदारियां बिना भेदभाव के सभी को प्रदान करनी चाहिए, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आ सकती है, 100% कमी आ सकती है, अगर परिवार, सबसे पहले परिवार इस दिशा में इनिशिएटिव लेता है। इससे क्या होगा, इसे सभी व्यक्तियों का, मेल का भी और फीमेल का भी, उन सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना जो है वो निश्चित है। अगर हम सभी को सभी कार्यों को करने का मौका देंगे, ऑटोमेटिकली सभी व्यक्ति सभी कार्यों को सही तरीके से और सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाएंगे और सभी में आपस में मेल जोल प्रेम भाव भी बना रहेगा, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा और मोर ओवर प्रॉस्पेरिटी भी तभी गेन की जा सकती है। देन टू मेक अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना। देखिए ये इसलिए आवश्यक माना जाता है
क्योंकि जैसे हम अभी तक देखते आए हैं, इतिहास हमें बताता है कि जो फीमेल है, जो बालिकाएं हैं, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन रही हैं समाज का, वो वंचित वर्ग के अंतर्गत ही रही हैं, उन्हें हमेशा अधीन ही माना जाता है, और इसी कारण से वो बहुत सी सुविधाओं से भी अछूती रही हैं, जिससे कि वो अपना समुचित विकास नहीं कर पाती हैं और समाज में अपनी पहचान नहीं बना पाती हैं। क्योंकि फीमेल जेंडर भी मेल जेंडर की तरह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट असेट माना जाता है परिवार का, समाज का, देश का, तो अगर हम परिवार, समाज या देश का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें भी इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फीमेल जेंडर को भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए बालिकाओं के महत्व पर प्रकाश डाला जाना चाहिए हर परिवार के द्वारा, और परिवार के सभी सदस्यों को और समाज को बालिकाओं के महत्व से अवगत करवाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया जाना चाहिए कि बालिकाएं ही हैं, ये गर्ल चाइल्ड ही है जो कि माता का रूप लेती हैं, जो बहन बनती है, जो पत्नी बनती है, और जो बाद में इतनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करती हैं। इसलिए इनके इन रूपों की उपेक्षा करके पुरुष का जो जीवन है वो अपूर्ण रह जाएगा, इस बात का पुरुषों को एहसास करवाया जाना आवश्यक होता है। देन चेंज इन सोशल एनवायरमेंट, सामाजिक वातावरण में बदलाव। परिवार में देखिए, जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन पारिवारिक रीतियों को परिवर्तित करने का हरदम प्रयास किया जाना चाहिए जिनके द्वारा समाज में पिछड़ापन आता है। कई परिवार आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए समाज सुधार के लिए अगर हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले परिवार में सुधार करने की आवश्यकता है। तो परिवार को लैंगिक भेदभाव जितने भी हैं तथा महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु जितने भी संकल्प हैं, वो संकल्प हमको पूरे करने हैं, जिससे सामाजिक कुरीतियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जा सके। देन प्रिवेलेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स, बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता। अब देखिए, फैमिली में बॉयज के साथ साथ गर्ल्स को भी अपने विचारों को प्रकट करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वे अपने आप को हीन ना समझे, और आत्म प्रकाशन का अवसर दिए जाने से क्या होगा कि जो कुछ भी उनके अंदर है, जो कुछ भी सोच पेंट अप फीलिंग्स जो उनकी होती हैं, वो उन अपनी पेंट अप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, तभी उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, और तभी जो है उनमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए परिवार को लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के लिए जो गर्ल्स हैं और जो फीमेल्स हैं उनको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में प्रदान की जानी चाहिए। देन टू एम्पावर, सशक्त बनाना। कई परिवारों में लड़कियों को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि वे लड़कियां हैं, उन्हें एक सीमा में रहकर ही कार्य करना है, उन्हें ये कार्य नहीं करना है, अब इससे आगे उनको नहीं बढ़ना है। तो परिवार के मेंबर्स का जो ऐसा व्यवहार होता है वो फीमेल चाइल्ड में या फीमेल मेंबर में निराशा और कुंठा को उत्पन्न कर देता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे स्त्रियों को और फीमेल जो चाइल्ड है उसको कमजोर ना समझे, बल्कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए, उनका मनोबल बढ़ाते रहें। देन डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी टू वर्क एंड लिव टुगेदर, साथ साथ रहने और कार्य करने की प्रवृत्ति का भी विकास किया जाना चाहिए, तभी जो है सभी एक दूसरे को सही तरीके से समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में प्रेम भाव का विकास होता है, और ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी होती है। देन एजुकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, हमें दोनों ही जेंडर को, मेल जेंडर को भी, फीमेल जेंडर को भी, मेल चाइल्ड को भी, फीमेल चाइल्ड को भी
शिक्षा तो प्रदान करनी ही करनी है, लेकिन व्यवसायिक कुशलता भी प्रदान करनी है, व्यवसायिक कुशलता की शिक्षा भी प्रदान करनी है, जिससे कि दोनों ही जेंडर, मेल चाइल्ड भी और फीमेल चाइल्ड भी कुशल बन सके और अपनी आजीविका कमाने के काबिल बन सके और वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। देन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू इन्फीरियोरिटी। जैसे हमने पहले भी कहा है कि कोई भी हमारी जो शब्दावली हो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी भी जेंडर को हीनता का एहसास करवाए। सो दिस इज ऑल अबाउट कि परिवार को जेंडर सोशलाइजेशन में किस तरह से अपनी भूमिका निभानी है। तो जैसे हमने कहा कि परिवार जो है वो बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी का। समाज में जैसे हमने देखा कि समाज में मेल और फीमेल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। तो इसे कम करना अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले पारिवारिक पहल बहुत जरूरी है। परिवार में इन भेदभावों को समाप्त करना होगा, परिवार में ही दोनों मेल और फीमेल चाइल्ड को जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस, ये प्रोवाइड करना है दोनों ही जेंडर को, सो दैट कि दोनों मेल और फीमेल जेंडर की पर्सनैलिटी का हम विकास कर सके, जिससे वुमेन समाज में अपनी पुरुष की तरह ही अपनी पहचान भी बना सके और घर परिवार और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।